राधे राधे दोस्तों। तो आज हम बनाएंगे ये मसाला मूंगफली। इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे एक बाउल, उसमें लेंगे हम एक कप मूंगफली के दाने, जिन्हें हम अच्छी तरह धो लेंगे। इसके बाद इसे हम अच्छी तरह छन्नी से छान लेंगे। जो इसमें एक्सेस वाटर है, इस सारे वाटर को बाहर निकाल देंगे। इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे आधा कप बेसन और मिलाएंगे 2 चम्मच भर के चावल का आटा। इसके बाद लेंगे हम ये सारे मसाले, गरम मसाला, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। इन सबको डालकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। धीरे धीरे इसे मिक्स करना है। अगर मिश्रण ज़्यादा सूखा लगे तो थोड़े थोड़े पानी का छींटा देकर हमें इसे मिक्स करना है। जब हमारा मिश्रण इस तरह हो जाए तो समझ लीजिए कि यह बनकर तैयार हो गया है। अब हम एक कढ़ाई या पैन में तेल लेंगे और तेल को गर्म होने देंगे। उसके बाद में हम इसे फ्राई करेंगे। गर्म तेल में इसे इस तरह डालेंगे कि एक एक सारी मूंगफली के दाने मसाले के साथ में अलग अलग हो जाएं। अधिकतर चिपके हुए नहीं रखेंगे तो ये बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे। पहले इसे हाई फ्लेम पर डालना है सारे मूंगफली के दानों को। उसके बाद में फ्लेम को थोड़ी कम कर देना है और इन्हें अच्छी तरह क्रिस्पी होने तक के तलना है। जब ये अच्छी तरह तल के कुरकुरे हो जाए तब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो ये इस तरीके से फ्लेम कम कर देंगे और इन्हें क्रिस्पी होने तक तलेंगे। ये देखिए, ये हमारे जो मूंगफली के दाने हैं बहुत अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो चुके हैं। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। तो ये देखिए बनकर तैयार है हमारे एकदम क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी ये मसाला मूंगफली। ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं, चाय के साथ तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।